सो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपकी बाइक का चालान कट गया है तो उसको आपको कैसे जमा करना है, आप जान पाए नहीं जान पाए। कभी कभी क्या होता है कि मेरी बाइक का चालान रोड पर चलते हुए कट जाता है। अब तो सब टेक्निकल सिस्टम होने की वजह से मुझे पता नहीं चल पाता है कि मेरी बाइक का चालान कैसे कटा, कब कटा, कहाँ कटा। ठीक है, तो आप अपने अपने घर बैठे मोबाइल से, अपने ही मोबाइल से पता कर सकते हैं कि आपका चालान कब कटा, क्यों कटा, कैसे कटा और कितने का कटा है। और आप ऑनलाइन पे भी कर सकते हैं, जो आपकी चालान की जो फ़ी है वो कितनी है वो आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं। तो आपको कैसे पे करना है ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो ये जानते हैं क्या है आगे की प्रोसेस, तो जान लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है चालान नंबर, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है चालान नंबर सबसे पहले लिखा हुआ है। तो जो भी आपका चालान नंबर है वो चालान नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए। चालान नंबर लिखने के बाद में यहाँ पे नीचे कैप्चा भर के यहाँ पे गेट डिटेल पे क्लिक कर देंगे तो आपको जो आपका चालान क्यों कटा है, ठीक है, ये सारी प्रोसेस आ जाएगी। उसके बाद में वहाँ पे एक पे का ऑप्शन दिया होगा, तो आप वहाँ से पे करके अपना चालान, जो भी अपना चालान भर सकते हैं, चालान की वजह क्या है वहाँ पे सारा कुछ दिया होगा। उसके बाद में यहाँ पे लिखा है व्हीकल नंबर, तो व्हीकल नंबर पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो आपका व्हीकल नंबर जो कि यानी कि जो आपका गाड़ी का नंबर है वो आपको अपने यहाँ पे डाल देना है। गाड़ी का नंबर डालने के बाद में यहाँ पे नीचे चेसिस नंबर दिया हुआ है, तो जो भी आपकी गाड़ी का चेसिस नंबर है। उसके बाद में इंजन नंबर, ये सारा कुछ भर लीजिए, ठीक है। तो आप ध्यान लीजिए, जहाँ पे चेसिस नंबर डालना है, चेसिस नंबर पे जो वहाँ पे स्टार्टिंग में जो वर्ड लिखा होता है वर्ड उसको नहीं लिखना होता है, सिर्फ जो अंक लिखे होते हैं पांच वो आपको लास्ट के पांच अंक ही सिर्फ लिखने हैं। अंक लिखने के बाद में इंजन नंबर डाल देंगे, इंजन नंबर डालने के बाद में नीचे कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा भर के गेट डिटेल पे क्लिक कर देंगे। तो जिसका भी चालान होगा उसकी जो डिटेल होगी वो डिटेल आ जाएगी, ठीक है। जान लीजिए, मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कोई भी चालान नहीं अभी तक कटा है, ठीक है। तो जो डिटेल होगी वो डिटेल आ जाएगी। डिटेल के बाद में नीचे पे नाउ का ऑप्शन दिया होगा, आप पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके वो चालान भर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा चालान जो है वो पता चल जाएगा कि कितना है। और यहाँ उसमें और भी नीचे जानकारी दी हुई है, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारा चालान किस जगह पर कटा है, ये सारी प्रोसेस पूरा का पूरा इसमें दिखाई देगा। सो दोस्तों, यही थी प्रोसेस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।